विधानसभा सोनबरसा। बिहार का सोनबरसा विधानसभा सीट मधेपुरा लोकसभा के तहत आता है। 1957 में सोनबरसा सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट सिंहेश्वर राय ने जीत हासिल की थी। 1962 के चुनाव में भी सोनबरसा सीट से निर्दलीय कैंडिडेट सीताराम महतो ने जीत हासिल की थी। वहीं 1967 में निर्दलीय कैंडिडेट आरएन राय ने सोनबरसा सीट से जनता का समर्थन हासिल किया था। 1969 के चुनाव में सोनबरसा सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट राजनंदन राय ने विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। 1972 में सोनबरसा सीट पर हुए चुनाव में एसओपी पार्टी के कैंडिडेट सीताराम महतो ने जीत हासिल की थी। 1977 में यहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मोहम्मद आलम ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद अनवारुल हक ने विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। 1985 में सोनबरसा सीट पर हुए चुनाव में लोक दल के टिकट पर कर्पूरी ठाकुर ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 2000 और 2005 के चुनाव में सोनबरसा सीट से रामचंद्र पूर्वे ने आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2010 और 2015 के चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट रत्नेश सदा ने लगातार दो बार सोनबरसा सीट से जीत का परचम लहराया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में सोनबरसा सीट से जेडीयू कैंडिडेट रत्नेश सदा ने चुनाव में जीत हासिल की थी। रत्नेश सदा ने चुनाव में 88,789 वोट हासिल किया था। वहीं एलजेपी की कैंडिडेट सरिता देवी को 35,026 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से रत्नेश सदा ने सरिता देवी को 53,763 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं 6,449 वोटों के साथ नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में सोनबरसा सीट से जेडीयू कैंडिडेट रत्नेश सदा ने चुनाव में जीत हासिल की थी। रत्नेश सदा ने चुनाव में 56,633 वोट हासिल किया था। वहीं एलजेपी की कैंडिडेट सरिता देवी ने 25,188 वोट हासिल किया था। इस तरह से रत्नेश सदा ने सरिता देवी को 31,445 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट तारिणी ऋषिदेव ने 10,433 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में सोनबरसा सीट से आरजेडी की टिकट पर रामचंद्र पूर्वे ने चुनाव में जीत हासिल की थी। रामचंद्र पूर्वे ने चुनाव में 35,843 वोट हासिल किया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट अमजद हुसैन अनवर को 23,537 वोट मिला था। इस तरह से रामचंद्र पूर्वे ने अमजद हुसैन अनवर को 12,306 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट राम नरेश प्रसाद यादव ने 13,952 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला होगा, लेकिन जीत तो उसी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगी जिस पर जनता ज्यादा से ज्यादा भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।